नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े कैश वैन से 50 लाख रुपए लूटे। एसएससी प्रतियोगिता परीक्षा में अनियमितता के मामले में सीबीआई ने दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस और नेफ्ट ट्रांसफर को निःशुल्क किया। और मुजफ्फरपुर में पिछले 36 घंटों के दौरान इंसेफ्लाइटिस के संदिग्ध 5 बच्चों की इलाज के दौरान मौत। कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत हसौना चौक के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर एक कैश वैन से लगभग 50 लाख रुपए लूट लिए। हमारे संवाददाता ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि 7 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। कैश वैन एक एटीएम में पैसे डालने के लिए आया हुआ था। पुलिस पश्चिम बंगाल से लगी जिले की सीमाओं को सील कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूर्णिया में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने 19 लाख रुपए बरामद कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने बताया कि वर्चस्व की लड़ाई में घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं सहरसा जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 7 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 देसी पिस्तौल, 4 कारतूस, 8,400 रुपए, 3 एटीएम कार्ड, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और एक पुलिस आईडी कार्ड बरामद की गई है। इधर समस्तीपुर जिले के हसनपुर में पिछले दिनों एक व्यवसायी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 114 बोरा मक्का लूट की हुई घटना के मुख्य आरोपी बीजल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कर्मचारी चयन आयोग की वर्ष 2017 की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आरोप में आज केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने इस संबंध में दिल्ली और गाजियाबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी को निःशुल्क करने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक समीक्षा समिति की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि इसके बारे में 1 सप्ताह के भीतर आदेश जारी किए जाएंगे। बयान के अनुसार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली को शुल्क मुक्त बनाने का फैसला किया गया है। इसके बाद बैंकों को भी इस फैसले का लाभ अपने ग्राहकों को देना होगा। फिलहाल आरबीआई आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली के जरिए हुए लेनदेन के लिए बैंकों से शुल्क लेता है, जिसके बदले बैंक ग्राहकों से इसके लिए शुल्क वसूलते हैं। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार का वित्तीय प्रबंधन देश में सबसे बेहतर है और यही कारण है कि देश के प्रमुख उद्योग संगठन सीआईआई ने प्रदेश को राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर रखा है। उन्होंने कहा कि इस सूची में बिहार ने गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे संपन्न राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें पार्टी के एनडीए से अलग होने की बात कही जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एनडीए से अलग होने की बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण पार्टी में असहजता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी एनडीए से अलग हो रही है। मुजफ्फरपुर में पिछले 36 घंटों के दौरान इंसेफ्लाइटिस के 5 संदिग्ध बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एसकेएमसीएच में 11 और केजरीवाल अस्पताल में 5 बच्चों का भी इलाज चल रहा है। अब तक इंसेफ्लाइटिस के संदिग्ध 11 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 3 बच्चों में रोग की पुष्टि हुई थी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में घरों की छत पर बागवानी के लिए सरकार अनुदान देगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 300 वर्ग फीट के लिए लाभुकों को लागत मूल्य का 50% या अधिकतम 25,000 रूपये दिए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि अभी ये योजना पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और नवादा जिले में लागू की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बने चक्रवाती दबाव क्षेत्र के कारण मध्य और दक्षिणी बिहार में तेज हवा चलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। कई जगहों पर आंशिक रूप से बादल भी छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सुपौल और अररिया जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है।
आज 40.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डिहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। गया का अधिकतम तापमान 39.3, पटना का 37.2, भागलपुर का 37.9 और पूर्णिया का 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अपराधियों ने 8 लोगों की हत्या कर दी। समस्तीपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अपराधियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र के रूपौली गांव और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर गांव में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने 2 युवकों की हत्या कर दी। एक अन्य घटना में जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के तारा गांव में आपसी विवाद में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गयी। वहीं रोहतास में 2 और पूर्वी चंपारण तथा मधुबनी में एक एक व्यक्ति की हत्या की खबर है। दूसरी तरफ भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी जलाकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारण और मधुबनी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4000 लीटर से अधिक शराब जब्त की है। सूत्रों ने बताया कि सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक से 3920 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस ने इस मामले में 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इधर मधुबनी जिले के लखनौर थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान एक घर से 88 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 और अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गर्मियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़भाड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से दरभंगा के बीच कल से विशेष रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है। ये रेलगाड़ी कल से 14 जून तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल से कल सुबह 11:30 बजे प्रस्थान करके ये गाड़ी अगले दिन सुबह 9:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन दरभंगा से दिन के 12 बजे खुलेगी और अगले दिन 12:40 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। इस रेलगाड़ी में 1 वातानुकूलित 2 टीयर, 3 वातानुकूलित 3 टीयर, 12 शयनयान श्रेणी तथा 4 सामान्य श्रेणी के डिब्बे होंगे। आनंद विहार दरभंगा विशेष रेलगाड़ी मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी। बेगूसराय जिले के लाखो थाना क्षेत्र अंतर्गत लाखो बांध के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से ई रिक्शा सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। वहीं कटिहार जिले के मनसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कजरा राघुपुर के बीच सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। भोजपुर जिले के खवासपुर थाना क्षेत्र के मौजमपुर घाट पर गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के पीहर गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े कैश वैन से 50 लाख रुपए लूटे। एसएससी प्रतियोगिता परीक्षा में अनियमितता के मामले में सीबीआई ने दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस और नेफ्ट ट्रांसफर को निःशुल्क किया। और मुजफ्फरपुर में पिछले 36 घंटों के दौरान इंसेफ्लाइटिस के संदिग्ध 5 बच्चों की इलाज के दौरान मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Valsa Williams. India today ruled out any bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and his Pakistani counterpart Imran Khan on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyzstan. This was stated by External Affairs Ministry spokesman Ravish Kumar while replying to a media query in New Delhi. Mr. Modi will attend the SCO annual summit in Bishkek on the 13th and 14th of this month. Mr. Kumar said External Affairs Minister S. Jaishankar will embark on a 2-day visit to Bhutan from tomorrow. This is his first overseas visit after assuming charge of the ministry. He said during the visit, Mr. Jaishankar will call on Bhutanese Prime Minister Lotay Tshering and meet his counterpart Tandi Dorji.
Prime Minister Narendra Modi will be on a two-day visit to the Maldives beginning Saturday. This will be the first overseas visit of Prime Minister Modi after his re-election. Briefing reporters in New Delhi, Foreign Secretary Vijay Gokhale said the visit is reflective of the new momentum in high-level exchanges between India and the Maldives. He said the Prime Minister's forthcoming visit will provide an important occasion to review the recent developments in bilateral relations and exchange views on issues of mutual interest, with the objective of further strengthening the special relationship between the two countries. Prime Minister Modi will also visit Sri Lanka on the 9th of this month. Mr. Gokhale said the visits to the Maldives and Sri Lanka will demonstrate the priority India attaches to its neighbourhood first policy and the Sagar Security and Growth for All in the Region doctrine. Industry body has welcomed the RBI decision of reducing the repo rate by 25 basis points to 5.75% from 6%. President of FICCI, Sandeep Somani, said this rate cut will encourage banks to lower their lending rates for both retail and corporate credits. He said reviving business confidence and consumer confidence in the economy is the need of the hour. ASSOCHAM President Mr. B.K. Goenka said the measures will rekindle economic growth and improve business sentiments. Mr. Goenka further said the credit policy resolution and the RBI governor's emphasis on faster and higher transfer of rate cuts will be reassuring if done by the banks. Earlier in the day, the six-member Monetary Policy Committee headed by RBI Governor Shaktikanta Das also unanimously decided to change the stance of monetary policy from neutral to accommodative. Mr. Das added that RBI has decided to do away with charges levied on RTGS and NEFT transactions, and banks will be required to pass this benefit to their customers. A committee will review ATM charges. The Telangana State Assembly has notified the merger of defecting group of 12 Congress members of State Legislative Assembly into the ruling Telangana Rashtra Samiti. Speaker of State Legislative Assembly, Speaker Pocharam Srinivasa Reddy, in the bulletin released this evening, stated that the 12 members of the Congress Party who have submitted a letter seeking the merger are deemed to have been merged with the TRS under Para 4 of the 10th Schedule of the Indian Constitution with effect from today. With this, the strength of Congress Party in the Assembly came down to 6 from 18. Earlier in the day, the 12 Congress MLAs submitted a letter with their signatures and said they are interested to work with Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, while 11 Congress MLAs had announced long back that they would join the ruling TRS. One more MLA met TRS Working President K. Taraka Rama Rao today and expressed his desire to join TRS. Union Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan today reviewed the progress of the implementation of Ayushman Bharat, including health and wellness centres and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana in New Delhi. He said Prime Minister Narendra Modi has envisioned the scheme for the health and wellness of the poorest and most vulnerable people of the country. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met with Chinese Communist Party Politburo member and Kuangtung Party Secretary Mr. Li Shi in New Delhi. During the meeting, they discussed taking forward the India-China economic relations. The Chinese delegation also had a meeting with Congress President Rahul Gandhi and UPA Chairperson Sonia Gandhi. In ICC Men's Cricket World Cup, Australia have set a 289-run victory target for the West Indies in their round-robin match underway at Nottingham, England. And with that, we end this news bulletin.